मिसेस स्वाति मुखर्जी, और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि मैं श्री केशव दुबे जी की पुत्री हूँ। बस मेरा आज के लिए यही परिचय है। श्री विश्वजीत मुखर्जी सर, जिन्होंने अभी आपको एक इंट्रोडक्शन दिया, और सर इज़ द बैकबोन ऑफ द एंटायर थीम, राइट फ्रॉम द डायलॉग राइटिंग टिल डायरेक्शन टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज़ फिनिश्ड। एंड फिरोज़ सर हैं, सो इन्हीं के प्रयास से, और जब हम सर्वप्रथम इनसे मिले इनके आग्रह से, हाँ, इनके इनका वो जो कॉन्फिडेंस दिखा कि हाँ वी कैन स्टार्ट समथिंग न्यू विद दिस, सो सर हैं। पूर्वा हैं जिन्होंने सुनंदा का रोल प्ले किया है, और वो पूर्वा की फ्रेंड है। आपका नाम बोलिए, सानिया। सो ये उन्होंने फिल्म में उनके सखी का रोल प्ले किया है, और अभय जी, हाँ अभय भाई एक्स्ट्रास प्रोवाइड करते हैं, कास्टिंग है, कास्टिंग है पूरा का पूरा, वो कास्टिंग डायरेक्टर। आपको सुनकर बड़ा ताजुब लगेगा सर कि ये मेरा एक कैंपस ही है। मैं एक प्रयोगवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, तो मैं जनरली ये प्रयोग करता रहता हूँ। मजे की बात है कि ये मेरा एक विद्यालय का कैंपस है, और उसका एक आहता ही है जिसके ऊपर हमने ये पूरा का पूरा शूटिंग किया, और जगह है कामोठे, और वहीं पे हमने इसको पूरा का पूरा इसको बनाया। सर पिक्चर का थीम यही है, शीर्षक तो प्रेम पत्र है, लेकिन हम जो पहुंचाना चाह रहे हैं वो ये है कि एक अपने अनुभव का और अपने आयु का पूर्वाग्रह हमें नहीं रखना चाहिए। साथ में जो अभी की नई पीढ़ी है, ये हमारे से ज़्यादा समझदार है सर। ये व्यावहारिक भी है, साथ में इनमें भावनाएं भी हैं, मतलब इनका कुल मिला के ये है कि मैं हमारे उस समय को तो मैं मूर्ख नहीं बोलूँगा, लेकिन वो अपने आप को गाली देना होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शायद हम उतने व्यावसायिक नहीं होते थे। जैसे इसमें आपने देखा होगा कि आखिरी में वो बच्ची ने जो प्रेम पत्र थे उसमें सिर्फ उसने उसे एक भाषा के एक प्रयोग के रूप में लिया, और उसमें उसने उनको ठीक ठाक किया, वो करके भी शायद उसने अपनी भाषा को परिमार्जित किया है। अर्थ ये है कि प्रेम नामक उस चीज़ में एक नाइन्थ क्लास की जो बच्ची है उसने अपने को नहीं डालते हुए, चूँकि वो आज की पीढ़ी की है, ऐसा वो कर सकती थी क्योंकि उसके पास में ये ऑप्शन तो था। आप अगर सोचेंगे कि सुनंदा को ये ज़रूर सोचना चाहिए था कि ये लड़का कोई है जो मुझे ये पत्र लिख रहा है, क्यों ना मैं इससे मिलूं। सबसे बड़ा संदेश आज के समाज को यही जाता है कि आप प्रेम करिए, अपने उस भाव पक्ष को भी प्रवण रखें, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका अपना जो करियर है और आपकी आने वाली जो आपकी जनरेशन है, आप अपनी लाइफ को किस हिसाब से बनाते हैं। शायद हमने ये प्रयोग किया है, और वो दर्शकों तक, आपके जस्ट आने के पहले से मैं बोल रहा था, यहाँ पर बैठे हुए कोई भी जो कलाकार है जो आपको दिख रहे हैं, उनमें से सभी के ये पहला ही अनुभव है, चाहे वो हमारी कीर्ति मैडम का हो। लेकिन मैं चूँकि एक कलात्मक व्यक्ति हूँ, और मैं इन जनरल सोसाइटी में से उस तरह के करेक्टर्स को ज़रूर मैं करता रहता हूँ, और मेरी एक प्रयोगवादी सोच है, तो मैडम के अंदर मुझे वो वार्डन बहुत दिनों से जीती हुई लगी, सुनंदा के अंदर मुझे वो बच्ची और वो जो मासूमियत थी वो मुझे लगी। तो फिरोज भाई ने मुझे बहुत बड़े बड़े कास्ट भेजे थे, और उन्होंने बहुत बड़े और चर्चित नाम भी मुझे भेजे, क्योंकि इन जनरल उनका अपना जो अनुभव है और उनका अपनी जो सोच है, उन्होंने अपने तरफ से मुझे सबसे बेस्ट देने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छे लगे वो मैडम ही थी इस करेक्टर के लिए, इस चरित्र के लिए, और वो सुनंदा थी जो आपके सामने बैठी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा फिरोज जी का, जब मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आपको एक रोल करना है, तो मैंने कहा मुझे तो इतना अनुभव नहीं है, शादी से पहले किया हुआ था, पर उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको सब करवा देंगे, पूरा आपको कोऑपरेट करेंगे, तो उसी तरह से इन्होंने मुझे पूरा कोऑपरेट किया, और सब बहुत कुछ सीखने को मिला, चाहे बच्चों की उम्र है हमारी उनकी, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे। सर का भी बहुत सपोर्ट था, किस तरीके से एक्सप्रेशन करने हैं, डायलॉग कैसे बोलने हैं, मैम ने भी कई बार बताया कि ऐसे ऐसे आप कीजिए, तो सबके गाइडेंस से बहुत अच्छा। जैसा भी आप लोगों का प्रतिसाद इस हमारी लघु फिल्म को मिलेगा, जो कि एक, मैं फिर से कहूँगा कि केशव दुबे जी की एक ऐसी अनुपम प्रस्तुति थी, जिसको लेकर हमने 15 मिनट का एक कुछ बनाने का प्रयास किया। आप लोगों के वैसे भाव से भी, और आप लोगों के जिस हिसाब से आपने अभी रिएक्ट भी किया है, प्रतिक्रिया दी है, उस हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, डेफिनेटली मैं उत्साहित हूँ। मेरा अगला प्रयास होगा कि उन्हीं की एक जो बहुत ही
प्रसिद्ध पुस्तक है एक बस्ती की माँ।